कौन पिछड़ी जात का, कौन ऊंची जात का, किसके साथ क्या अन्याय हुआ और उसकी वजह से किसके दिल पर क्या बीती। जनरली सच क्वेश्चंस मेक पीपल अनकंफर्टेबल, है ना। इसी सब्जेक्ट पर बनी एक नई फिल्म द व्हाइट टाइगर स्ट्रीमिंग नाउ ऑन नेटफ्लिक्स। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की किताब द व्हाइट टाइगर पर बेस्ड इस फिल्म के हीरो, विलन, नरेटर और इस कहानी की आत्मा है ड्राइवर बलराम हलवाई। एक कम पढ़ा लिखा लेकिन फिर भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हुआ ये तेज दिमाग एम्बिशियस लड़का इस फिल्म में सोसाइटी को ऐसा आईना दिखाता है जिसमें हमारे आसपास अमीर और गरीब के बीच की खाई और कास्टिज्म जैसी बीमारियों को साफ दिखाया गया है। I am just one who has woken up while the rest of you are still sleeping. बचपन से ही गरीबी और कास्टिज्म का शिकार बलराम किसी तरह जुगाड़ करके बन जाता है अमेरिका रिटर्न अशोक का ड्राइवर। और अशोक एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो इंडिया में रहकर देश की तस्वीर बदलना चाहता है। और अशोक की अमेरिकन वाइफ है पिंकी, अ फियर्स एंड काइंड हार्टेड यंग वुमन विद अ कॉन्शियंस। लेकिन फिर हर कदम पर अलग अलग तरीकों से, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में, बलराम को यह एहसास कराया जाता है कि उसकी जगह कहाँ है। फिल्म की पहली 10 मिनट में ही लगा कि यार बहुत मजा आने वाला है और उसके बाद स्क्रीन प्ले जो रंग पकड़ता है कुछ क्विंटेसेंशियली इंडियन क्वर्क्स पर, इस स्क्रिप्ट में ऐसे ऐसे तंज कसे गए हैं कि कई बार आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये तो गलत बात है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। Here in India, there are only two kinds of people. Those with big bellies and those with small bellies. Adarsh Gaurav, who plays the central character Balram Halwai, is the heart of this film. Scene 1 से जो इस लड़के ने सुर पकड़ा, आखिरी सीन तक ढील नहीं छोड़ी। While this is a dream role for any young actor, it does take serious ability to portray the kind of latent hidden angst that Balram does, and Adarsh Gaurav absolutely aces it. The wonderful Rajkummar Rao does enough justice to his role as American return Ashok. हाँ, कभी कभी उनका वो अमेरिकन एक्सेंट थोड़ा सा ऑड लगा, बट हिज वेरी कंट्रोल्ड एंड मेजर्ड परफॉर्मेंस मेक्स अप फॉर इट। प्रियंका चोपड़ा's character Pinky adds contrast to an otherwise disturbing melee of some really cruel and heartless people who shamelessly exploit the less fortunate. And as always, PC sails through while feeling at home with that slightly firang accent that she's mastered by now. #JonasJiju Zindabad. I want to serve you and Ashok. No. No, you can't possibly believe that. Directed by Ramin Behrani, the film presses the right buttons and makes the right noises for those willing to listen, learn and evolve. Despite its slightly longish duration, The White Tiger on Netflix is binge-worthy. You gotta watch it now.